क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा, देश को गौरव देने वाली बेटियां इंसाफ मांगने के लिए जो बैठी जंतर मंतर पर, उन्हें घसीटते हुए ले जाया जाएगा। पुलिस इन्हीं बेटियों को आज मुजरिमों की तरह घसीट रही है, वही जो रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, आज उन्हें खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और ब्रजभूषण सिंह बिल्कुल कानूनों को ताक पर रखकर अपनी गद्दी पर आसान तरीके से बैठा हुआ है, उसको कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं। जबकि ये बेटियां जो दोष को गौरव देने वाली है और देश का नाम पूरी दुनिया में जिन्होंने रोशन किया है, उनको घसीट घसीट कर दिल्ली पुलिस ले जाई जा रही है। ये भी देश के लिए एक काले इतिहास का दिन होगा, जब इतिहास में लिखा जाएगा कि जो बेटियां देश में इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उनको घसीट कर किस तरह से ले जाया गया, ये आप दृश्य देख सकते हैं। ये सीधे जंतर मंतर से मैं आपको दिखा रहा हूं। आज के दौर में क्या हाल हो चुका है, कोई इंसाफ भी नहीं मांग सकता, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, अपनी मांगे भी नहीं मंगवा सकता। सरकार एक ऐसा रूप लेकर आ गई है जो उसके खिलाफ है, वो देश के खिलाफ। और देख सकते हैं किस तरह से ब्रजभूषण को बचाने की कवायद की जा रही है, एक रेप के आरोपी के लिए कितनी पुलिस खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं रेप के आरोपी के पक्ष में खड़ी है ये पुलिस। किस तरह से मैं कह रहा हूँ, देखिए किस तरह से पहलवानों को गाड़ियों में ले जाया जा रहा है, ये घसीटने के आप देख सकते हैं दृश्य, किस तरह से इन्हें घसीटा गया, इनके सेल्फ गिर गए, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये पुलिस वाले हैं जो लापरवाह हैं, जिन्हें ये परवाह नहीं है ये किसे घसीट रहे हैं, जिन लोगों से वो हाथ तक नहीं मिला पाते थे, आज उन्हें घसीट रहे हैं। ये देश के लिए शर्म का विषय है, हर देशवासी को इस बार शर्म करनी चाहिए और इन पुलिस वालों को भी शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या इनकी कोई बेटियां नहीं है जो इन बेटियों को घसीट के ले जा रहे हैं, रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय बेटियों को ही घसीट लिया गया जो इंसाफ मांगने बैठी हुई है। देखो भाई, देख लो तरीका, देश में कानून है, आज यो पुलिस का खून पानी हो गया है, जो लड़कियां उनके ऊपर आता चला रहे हैं। आज भारत में, भारत के इतिहास में एक चीज दर्ज होने वाली है, तो मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देती हूँ। देश की धरतियों के मान सम्मान और इज्जत को रौंद कर प्रधानमंत्री जी द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देती हूँ कि आप इस आधुनिक चीज का, इस नए निर्माण का हिस्सा हो। पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी को नमस्कार। हमारा जो जमहूरी अधिकार है प्रोग्राम करने का, उनको रोक कर कानून अपने हाथ में गैर कानूनी तरीके से ला रहे हैं। जायज नहीं है, जायज नहीं है, डेमोक्रेसी है, ये हमारा अधिकार है।
देखो और बाद में मैं कुछ मन तो कुछ गलती नहीं हो रहा है, गलती तो गलती नहीं हो रहा है, हम भी तो अपनी गाइडलाइन कर रहे हैं ना, तुम ठीक ही कह रहे हो, हमारी भी गाइडलाइन है, कोई नहीं बात, तो क्या लफ्ज बोला एक मिनट, तेरी वो ठीक क्या बोला आप, हमको जाने दो, हमने जाने हैं और हम यही हो रहे हैं भाई, बात हमारी तो ठीक है ना, इतनी जो कहने आपने उसके कारण से बात की है, बात करो रोड जाम हो जाएगा, प्रोग्राम को अपना भी फैसला मोड से पंजाब से जितने विचार के हम भी अपना करेंगे, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं हुई जो नुकसान होगा हरियाणा है ना, हरियाणा प्यार रखते हैं।